हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है मैं बेटा एट क्लास में, आज हम किस लेसन के बारे में चर्चा करेंगे और जो है कल हमने किस लेसन की विषय में चर्चा की थी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी। कल जो है मैंने आपको 7 अगस्त को जो है लेसन 6 का पूरा जो है पाठ का सार और जो है उसके डिफिकल्ट वर्ड और जो है उसके लेखक के बारे में जो है परिचय दिया था, उसको जो है उसके वर्ड मैंने सारा सार अच्छी तरीके से आपको समझा था और जो है कौन कौन से क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको कल तक जो है ये लेसन 6-7 जो है इसकी वीडियोज में मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यानी कि हमारा 8 अगस्त को, किसको 8 अगस्त को क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी और जो है लेसन 7 है। ये कौन सी बुक का लेसन 7 है? ये जो है वसंत हमारी, उसमें लेसन 7 है और जो है क्या निराश हुआ जाए, इसमें जो है लेसन 7 क्या निराश हुआ जाए इसके बारे में वर्णन किया है। और इस लेसन के जो राइटर हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस लेसन को जो है जिसने रचना की है, जिसने इसको निर्मित किया है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे कि जो है वो कौन से हैं हमारे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही अच्छे निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक, संस्मरण, कहानी, जीवनी के जो है ये एक प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध लेखक है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इनके जीवन के बारे में बताऊंगी। इनका जो है जन्म कब हुआ था और जो है कब इनकी जो है बेटा मृत्यु हुई थी। तो इनका जो है जन्म, हजारी प्रसाद जी का जो है जन्म कब हुआ था, यानी कि 19 अगस्त कितने 19 अब अगस्त ही चल रहा है, आप देख रहे हो 19 अगस्त और जो है 1907 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो है हजारी प्रसाद, अपने जो इनका स्वभाव था वो जो था एक बहुत ही अच्छा स्वभाव था, अपने स्वभाव के कारण, अपने कहानियों के कारण जो है द्विवेदी जी यानी कि एक प्रख्यात लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इन्होंने ये भी लिखा है, तो इनका जो ये राइटर है इन्होंने क्या लिखा है, क्या निराश हुआ जाए। तो इसका यानी कि हमारे समाज में क्या निराश हुआ जाए का अर्थ मैं बताना चाहूंगी कि जो है हमारे समाज में आज जो है जो ऐसे बेईमान लोग हैं और फ्रेम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, तो वे ही जो है फल फूल रहे हैं। यानी कि ईमानदार जो लोग हैं बेटा, कौन ईमानदार जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बेचारे निराश हो रहे हैं। तो उनके लिए जो है ये कहा गया है हजारी प्रसाद ने, क्या निराश हुआ जाए कि जो है आप क्यों निराश होते हो, कोई बात नहीं, अगर वे आज फल फूल रहे हैं तो वे कुछ ही समय के लिए जो है फलेंगे फूलेंगे, लेकिन बाद में जो है कोई बात हमें जो है निराश होने की हमारी कोई भी जो है बात नहीं है। हमने अपने जो है रास्ते पर तत्पर चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए जो है लेखक ने हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं हमारे इस पाठ में बताया है कि आजकल हमारे समाज में ईमानदार व्यक्ति तो बहुत ही जो है कष्ट उठा रहे हैं, परंतु जो बेईमान हैं और धोखेबाज हैं वो खूब फल फूल रहे हैं। तो इसमें यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सच्चाई और जो है ईमानदारी जैसे सद्गुण, जिसके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है और सद्गुण है, अच्छे गुण, सद्गुण मीन्स जो अच्छे गुण हैं, वे लोग जो है निराश
अपने जो है दो दो रोटियों के लिए भी परेशान हो रहे हैं। और जो लोग यानी कि अभी मैंने बताया झूठ बोलते हैं, फ्रेडी हैं और जो है चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, तो वो जो हैं इस समाज में फल फूल रहे हैं। धोखेबाज यानी कि इस तरीके से, तो वे जो हैं पूरी तरीके से फल फूल रहे हैं। तो इसमें जो है हजारी प्रसाद ने कहा कि सच्चाई और ईमानदारी जैसे सद्गुण समाज में से जो हैं अभी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए हैं। यानी कि आज भी लोग, बहुत से लोग हैं यानी कि जो सच्चाई के मार्ग पर और जो है ईमानदारी के मार्ग पर अपना रास्ता अपना रहे हैं और जो है वो अभी नष्ट नहीं हुए हैं। हमें जो है निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें जो है बेटा समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी और यहाँ तक का अच्छे अच्छे लोग जो कि एक हमारे समाज में जो है मंत्री वगैरह भी हैं, चाहे इसमें कोई भी हो, वो भी जो है क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी कमाई होने के बावजूद यानी कि उनको इतनी सैलरी मिलने के बावजूद भी जो है उनका पेट भरने में ही नहीं आता है, इतना पेट उनका पेट भरने में नहीं आता है। लेकिन जो दो वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है तो उनके बारे में जो है वे लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। क्या नहीं सोचते हैं, यानी कि उनके बारे में जो वे लोग बिल्कुल भी नहीं जानकारी देते कि हमें जो है प्रत्येक मनुष्य के बारे में, प्रत्येक आदमी के बारे में जो है ये होना चाहिए कि सभी को खाने के लिए दो वक्त की रोटी अवश्य मिले। लेकिन जो भ्रष्टाचार करके यानी कि अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते जाते हैं, वही आज जो है कहने का तात्पर्य हजारी प्रसाद बेदी जी जो हैं ये बताना चाहते हैं कि वे ही लोग जो हैं फल फूल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे आप देखते हो जिस की सरकार आ जाती है तो वे दूसरे जो है जो जिनकी सरकार नहीं होती हैं तो वे एक दूसरी सरकार पर आरोपों के घेरे बनाए रखते हैं। आप ये टीवी स्क्रीन पर भी देखते हैं, शाम को 5 बजे भी आप देख सकते हैं कि जो है कांग्रेस बीजेपी पे जो है हर तरीके से वार करती है, हर तरीके से जो है उसको जीने नहीं देती, ये कर दिया वहाँ जो है ये कर दिया, और यहाँ तक कि एक जो बीजेपी सरकार है वो भी कांग्रेस को नहीं छोड़ती है, वो भी उनके जो है भ्रष्टाचार को सामने लेके आती है कि उन्होंने किस में जो है भ्रष्टाचार किया है। यहाँ तक कि मनमोहन सरकार को भी जो है कोयला भ्रष्टाचार में नहीं छोड़ा है। तो इस तरीके से जो ये हैं यानी कि हमारे जो सामाजिक तत्व हैं जो समाज को चला रहे हैं, तो यही जब ऐसा काम करेंगे तो बाकी जनता क्या करेगी, तो बाकी जनता के लिए भी तो ये एक संदेश बनता है ना इस तरीके से कि जो है ये किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, कैसे जो है ये कार्य कर रहे हैं यानी कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं देश में व्याप्त। इसको जो है भ्रष्टाचार को जो है बेटा रोकना चाहिए हमारी सरकार को। अंत आज जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि वही आदमी सुखी है जो कुछ जो है नहीं करता। यानी कि अगर मैं चोरी करूँगी उदाहरण के लिए, तो मुझे जो है डर डर के रहना पड़ेगा सभी के सामने, हैं डर के रहना पड़ेगा ना सभी के सामने। यानी कि आज जो है वही आदमी, कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो है वही आदमी सुखी है जो कुछ नहीं करता है। लेखक का सोचना है कि अगर यह बात सत्य है तो स्थिति यानी कि चिंतापूर्ण है। तो लेखक जो है इसे मन से नहीं मानता, लेखक का मन जो है ये बात को नहीं मानता है और वह सोचता है कि महापुरुषों ने ऐसे भारत
वर्ष की जो है स्वप्न नहीं देखा था। इन दिनों जो है देश में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि जो है मेहनत करने वाले और ईमानदार व्यक्ति जो है कष्ट में है और बेईमान छोटे धोखेबाज उन्नति करते जा रहे हैं, जो इतने मतलब बेईमानी का पैसा खा रहे हैं, दुगना तिगना पैसा दूसरे से लूट रहे हैं और झूठ बोलते हैं और धोखा करते हैं, वही जो है उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक नियम जीवन मूल्यों से टकरा रहे हैं, यानी कि जो समाज है हमारा उसके जो नियम है ये हमारे जीवन से यानी कि टकरा रहा है। अंत समाज में उथल पुथल सी मची हुई है। हर एक आदमी जो है सुबह ही दौड़ धूप में लग जाता है कि कहीं से जो है दो पैसे की कमाई हो जाए। चाहे किसी के पास बेटा कितना भी पैसा क्यों ना है, लेकिन उसकी जो है पूर्ति कभी भी पूरी नहीं होती, यानी कि आवश्यकता जो है अंत होती है। आवश्यकता की पूर्ति हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जैसे आज हमारे पास जो है गाड़ी है, बंगला है, तो कल जो है हमें अच्छी गाड़ी की जो है आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। पहले ये था कि हमें एक टाइम की रोटी या किसी के पास जो है छत भी नहीं होती थी, और उसके बाद जो है धीरे धीरे छत हुई और जो है दो टाइम की रोटी भी मिलने लगी, तो उसकी आवश्यकता जो है वो बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मार्शल हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, तो प्रोफेसर मार्शल जी हैं, उन्होंने भी ये कहा है आवश्यकता अंत होती है, इसकी पूर्ति जो है कभी भी नहीं होती है। अगर हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो हमारी नेक्स्ट यानी कि आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जो है हमारे सामाजिक तत्व हैं, इनकी भी चाहिए इनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, कितना भी बैंक बैलेंस क्यों ना हो जाए, लेकिन इनको भ्रष्टाचार करने की एक आदत सी बनी हुई है। जब तक यानी कि मानव जीवित रहता है वो भाग दौड़ में पैसे कमाने की जो है भाग दौड़ में लगा रहता है। तो बेटा मैं ये चाहती हूँ कि सभी को जो है दो टाइम का वक्त मिले, हमें कभी भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो है हमें किसी से धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ धोखा करेंगे तो वो हमारे साथ एक दिन वापस जरूर आएगा, ठीक है। तो हमें जो है ईमानदारी से कमा कर खाना चाहिए, और यहाँ तक कि जो ईमानदारी से कमाएगा वो ही जो है अच्छे मार्ग पर चलेगा, और जो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार तो उसको जो है रातों की नींद भी हराम हो जाएगी। तो क्योंकि उसने एक पाप किया है, तो उस पाप के चक्कर में जो है उसको चैन से नींद भी पूरी नहीं आएगी। तो हमें जो है ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि धोखेधड़ी से जो है पैसा कमाना चाहिए। तो ऐसे समाज में सामाजिक जीवन के महान मूल्यों के बारे में भी लोगों की जो है आस्था और जो है विश्वास हिलने लगा है। जो है बेटा इसमें एक दूसरे जो लोग हैं वो एक दूसरे पर जो है विश्वास करने के लिए तत्पर ही नहीं होते, वे एक दूसरे पर जो है विश्वास उनका भरोसा जो है उठ चुका है, चाहे वो एक दूसरे का मित्र ही क्यों ना हो। तो क्योंकि विश्वास जो है एक ऐसा होता है कि बना के रखा जाए, लेकिन वो भी डगमगाता जा रहा है आज के समाज में। तो लेखक का कहना है, लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये ध्यान रखा करो आप कि जो है प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है। जैसे मैंने आपको सामने भी बताया है कि क्या निराश हुआ जाए, इसके जो राइटर हैं यानी कि लेखक हैं हजारी प्रसाद जी हैं, जो कि एक प्रख्यात लेखक हैं, प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध लेखक हैं, और जो हैं अपने स्वभाव के कारण, अपने निडरता के कारण जो है आज ये इतने प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अच्छे
जो है अच्छाई का सामना, उसका डटकर सामना किया है, तो उसके लिए जो है एक प्रख्यात कवि हैं। क्या है? यानी कि एक प्रख्यात प्रसिद्ध कवि हैं। तो लेखक कहना चाहता है कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। किसके? यानी कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को जो है अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। एक भारतवर्ष ही जो है एक ऐसा है, तो इसमें जो है भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। और जो है भारतीय परंपरा में हमेशा से विकारों को उचित नहीं माना है। जो हमारे विकार हैं, परेशानी हैं, या हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो उसको उचित नहीं मानते हैं। लोभ मोह और काम क्रोध आदि विकारों को जो है कभी भी उचित, यानी कि उसको जो है लोभ मोह जो है उनको जो है कभी भी उचित नहीं ठहराया जाता है। यानी कि विकारों को कभी भी उचित नहीं ठहराया गया है, और भारत ने सदा उन्हें संयम के बंधन से, यानी कि हमें संयम रखना चाहिए। संयम यानी कि शांति, एक तरीके से अपने अंदर शांति, कोई कुछ भी करता रहे हमें अपने अंदर संयम बनाए रखना चाहिए। तो जो है संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया है, यानी कि लोगों को जो है संयम बरतने के लिए कहा है। तो इसमें जो है आजकल हमारे देश में कानून को धर्म का रूप देकर स्वच्छ जीवन जीने की भी प्रेरणा की बहुत अधिक आवश्यकता है। यानी कि जो हमारे देश का कानून है, धर्म है कि इस धर्म को अपनाओ, उस धर्म को अपनाओ, कानून है उसको जो है स्वच्छ जीने की प्रेरणा की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ तक कि जो है बेटा कुछ लोग तो अपना धर्म भी जो है चेंज कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो अपना जो है लव मैरिज करते हैं, तो एक दूसरे धर्म की लड़की एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ चली जाती है, तो ये एक धर्म चेंज हो जाता है। तो जो है आज इस धर्म के बारे में भी जो है बहुत ही यानी कि स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए आवश्यकता है। देश में जो है हर प्रकार के भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, तो यह सिद्ध करता है कि लोगों को जो है बुराइयाँ अच्छी नहीं लगती। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि तुमने भ्रष्टाचार किया है, या तुमने चोरी की है, या तुमने डकैती की है, तो वो जो है समाज में अपने को अपमानित मानते हैं कि मेरे को ऐसा क्यों कह दिया गया। तो वो काम भी करता है और उसको कोई कुछ कहे भी ना, तो ऐसे कहाँ होता है, नहीं ना। तो जो है वो अपने आप को यानी कि एक अपमानित समझता है कि मेरा जो है ये ऐसे इन्होंने समाज में तिरस्कार किया है एक तरीके से। तो भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, तो इसे सिद्ध करने के लिए लोगों में बुराई अच्छी नहीं लगती है। यानी ये इससे सामाजिक वातावरण खराब होता है, और बुराइयों का जो है रहस्य उद्घाटन करना यानी कि बुरी बात नहीं है। इनमें जो है रस लेना बुरी बात है। ये कुछ लोग जो है एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और उसमें जो है रस लेते हैं कि इसने क्या किया, अरे क्या किया इसने, इसने चोरी की, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचार है, तो उसमें रस लेते हैं एक तरीके से। एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपये के स्थान पर 100 रुपये का नोट दे दिया था, और जो है जल्दी में जो है गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने जो है 10 रुपये तो देने थे, लेकिन उसने 100 का नोट दे दिया। और वो है जो जल्दी में टिकट लेकर, क्योंकि 10 रुपये का टिकट था, और जो है वो जल्दी में जाकर जो है अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद जो है टिकट बाबू उस आदमी को जो है पहचानता हुआ आया, और लेखक को देखकर उसने बाकी 90 रुपये लौटा दिए। यानी कि इसी प्रकार के एक अन्य घटना में, यानी कि ये एक अच्छा उदाहरण है इसमें कि जो है वो टिकट बाबू जो था वो इतना ईमानदार था कि उसके 90 रुपये लौटाने के लिए जो है उसको ढूंढता हुआ यानी कि रेल के एक डिब्बे में भी आ गया था। तो
कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि आज जो है ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, मिलते हैं ना ऐसे कम लोग कि उस आदमी को पहचानता हुआ लेखक को देखकर जो है बाकी 90 रुपये जो है उसको लुटाने आया था। तो इसी प्रकार जो है एक अन्य घटना में भी लेखक परिवार के साथ जो है बस में यात्रा कर रहा था, यानी कि लेखक के साथ ही ये घटना होने वाली थी बार बार, है। एक बार तो जो है वो टिकट बाबू को जो है 100 रुपये दिया 10 की जगह, है तो टिकट बाबू ने उसको लौटा दिया। एक बार जो है वो बस में यात्रा कर रहा था, बस मंजिल से जो है यानी कि मंजिल जहाँ उनको जाना था उनकी मंजिल से यानी कि 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी कि सुनसान स्थान पर खराब हो गई और रात का समय था। कंडक्टर मीन्स जो टिकट देता है, पैसे लेता है, टिकट को देता है कंडक्टर, साइकिल से जो है कहीं चला गया और लोग घबरा गए कि उन्होंने तो जो है ड्राइवर को घेर लिया कि सभी को जो है भय था कि ना जो है लूटपाट ना हो जाए, और लेखक ने ड्राइवर को बचाने का प्रयास किया कि लोगों ने जो है उसे पीटा नहीं परंतु जो है उससे झगड़ रहे थे कि तभी वह कंडक्टर यात्रियों की सुविधा के लिए जो है दूसरी खाली बस लेकर आ गया और साथ में लेखक के बच्चों के लिए जो है दूध और पानी भी ले आया कि जो छोटे बच्चे थे काफ़ी देर से वहाँ पर बस रुकी हुई थी कि छोटे बच्चों को भूख अवश्य लगी होगी तो उनके लिए जो है वो वहाँ पर पानी वगैरह भी ले आया था लेखक। तो यहाँ लेखक का कहना है कि सच्चाई और ईमानदारी अभी दुनिया से पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, यहाँ तक कि जैसे उसमें ईमानदारी जो है इसमें दिखाई गई कि जो टिकट बाबू था उसको जो है लेखक ने 100 रुपये दिए थे तो वो वापस जो है लौटाने के लिए 90 रुपये लेकर वापस आया, और दूसरा जो है बस में यात्रा कर रहे थे और एक वीरान यानी कि सुनसान जगह में जो है वो रुक जाती है और जो है वो कंडक्टर यानी कि जो पैसे लेता है टिकट देता है तो वो भी दूसरी बस को लेने के लिए चला जाता है कि यात्रियों को जो है कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन यात्री जो थे वो तो जो है ड्राइवर के बुरी तरीके से चिपट गए, एक तरीके से भाई ना कैसे रोक दिया, किसी ने हमें लूट लिया तो क्या होगा इस तरीके से। लेकिन जो है ड्राइवर जो था वहाँ पर उसको लेखक ने वहाँ पर बचाया। लेखक कौन था बताया, बताइए लेखक कौन है इस लेसन में, याद हुआ नहीं हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक जो है, इसके राइटर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये याद रख लो बेटा, कई बार मैं क्वेश्चन दे देती हूँ प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है, देती हूँ नहीं देती हूँ आपको। तो हर लेसन के चाहे वो पोयम हो आपकी, कविता हो या कहानी हो, एकांकी कुछ भी उपन्यास वगैरह हो सकता है, तो उनके राइटर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो है लेखक आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसका जन्म जो है 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में जो है इनका जन्म। चलो आगे, खैर कोई बात नहीं, तो ये बात याद रखनी है आपने। तो जैसे ही फिर ईमानदारी की बात बता रहे ना, तो वो बस रुक गई थी तो ड्राइवर जो है वो दूसरी बस लेने के लिए चला गया, जबकि यात्रियों को नहीं मालूम था कि जो है ड्राइवर जो कंडक्टर है वो दूसरी बस लेने के लिए गया है। तो ड्राइवर को जो है अच्छा बुरा कहने लगते हैं, तो वहाँ पर जो है लेखक यानी कि हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं हमारे, वो उनको बचाते हैं। तो लेखक के जो है दो बच्चे भी उस समय यात्रा कर रहे थे जो कि बहुत छोटे थे, तो जो है कंडक्टर जो है एक बस तो लेकर आया ही था अपने साथ
परेशानी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य आज भी जो है लोग ईमानदार है, यानी कि पूरी तरीके से जो है ईमानदारी अभी भी दुनिया में नष्ट नहीं हुई है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है पूरी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। तो जैसे उसने जो है 100 रुपये भी, यानी कि कौन टिकट बाबू जाएगा कोई आजकल, आज यानी कि वर्तमान में जो है कोई टिकट बाबू ऐसे जाएगा किसी के पैसे लौटाने के लिए? नहीं ना, तो नहीं जाएगा बेटा। तो कहने का मतलब यही है कि आज भी जो है हमारे देश में यानी कि ईमानदारी ठगी जो है, मैं ईमानदारी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। लेखक ने यह भी बताया कि उसके साथ धोखे और ठगी की घटनाएं हुई हैं, परंतु बहुत कम स्थानों पर जो है विश्वासघात जैसे चीज़ें मिलती हैं। यदि धोखा खाने की बातों को ही ध्यान में रखेंगे तो जीवन कष्टपूर्ण हो जाएगा। ऐसे जो है बातें भी बहुत हैं जब लोगों ने यानी कि दूसरों को अकारण यानी कि सहायता की है बिना किसी कारण। जैसे रेलवे यानी कि टिकट बाबू था तो उसका कोई कारण थोड़ी ना था, उससे कुछ लेना देना थोड़ी ना था लेखक को कि जो है उसके रुपये लौटाने के लिए वो वापस आया है, नहीं ना। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी अपने प्रार्थना गीत में लिखा था कि यदि संसार में धोखा या नुकसान भी उठाना पड़े तो हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर कोई भी संदेह न करूँ। कि जो है मुझे भगवान ने करना सिखाया, मुझे जो भगवान ने इस रास्ते पर चलाया। तो इस प्रकार जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है। तो लेखक मानता है कि आशा है कि ज्योति अभी बुझी नहीं है, यानी कि महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। तो जो है इसमें ये भी कहा है, तो इसने जो है बेटा रविंद्रनाथ ठाकुर ने इतना अच्छा बताया है कि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आपने सुना भी होगा, एक प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध हैं। और जो है इन्होंने ये बताया कि भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान अगर मुझे चोरी जारी या ठगी करने के लिए ये भी कार्य करना पड़ जाए, मान लिया किसी कारण मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे किसी कारण से चोरी करनी पड़ जाए तो जो है हे भगवान मैं आपको जो है कसूरवार न ठहराऊं। तो कई लोग क्या हम भी हो सकते हैं उसमें, तो कहते हैं भगवान तूने ही ये किया होगा, हे भगवान तूने ही हमारे साथ होगा किया, हे भगवान हमने कुछ ऐसे किया जो हमारे साथ हो, तो हम जो है भगवान को कसूरवार ठहराते हैं। तो हमें कहने का तात्पर्य यानी कि रविंद्रनाथ जो थे उन्होंने भगवान को ये प्रार्थना की है कि मैं आपको जो है कसूरवार न ठहराऊं। तो हमें जो है इससे ये भी सीख मिलती है कि जब अच्छा होता है ना हमारे लिए, हे भगवान ने ये भी कहेंगे हम भगवान का जो है बेटा शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, हे भगवान तूने हमें इतना दिया है, कभी करते हैं मन में देखिएगा नहीं करते हैं। अगर तुम्हें भगवान खुशी देता है या कुछ ऐसे कहीं से लॉटरी लग जाती है तुम्हारी तो भगवान को प्रार्थना उसको शुक्रिया अदा करने जाओगे? नहीं ना, ये कहने जाओगे हे भगवान तूने मेरी लॉटरी लगा दी है? नहीं करते, हमें खुशी हो जाती है, हम खुशी के माहौल में जो है व्याप्त हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, लेकिन जो है उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। लेकिन हमारे साथ कोई घटना घट जाए या कुछ ऐसा बुरा हो जाए, हे भगवान तूने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, तो हमें जो है बेटा भगवान को बिना मतलब का जो है कसूरवार